अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है यार। आज की ये वाली वीडियो लोग काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। और यहाँ पर देखो, ये भी आपके भाई की गाड़ी को कभी गलत डैमेज दे देते हैं। खैर मैं यहाँ पर कवर में रुक जाता हूँ, अभी इनर व्यू पे क्लच करने वाला हूँ एंड ये भी आपके भाई को ना काफी ज्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं। बच्चे क्या आप लोग रिएक्शन देखना, एकदम मजे आ जाएगा। अरे भाई भाई, मुझे नहीं पता होता, ये वाले बंदे बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग में आ चुके हैं। जल्दी से यहाँ पर मैं हीलिंग फुल कर लेता हूँ एंड ये बंदे भाई साहब कतई खतरनाक बंदे। आप ये बंदे यहाँ पर कतई हैवी पुश करने वाले, उससे पहले ये लोग नेड मोल यहाँ पर करते हैं। ओ भाई साहब, ये क्या था यार, ये लास्ट वाला बंदा मुझे लगता है नोक हो चुका है, लेकिन ये बंदा यहाँ पर ड्रॉप शॉट मार के लेटा होता है। खैर मैं आल के ऊपर करता हूँ यहाँ पर माइक, उसके बाद मैं यहाँ पर इनके लास्ट बंदे को भी ढूंढ रहा होता हूँ साथ ही। अब यार यहाँ पर ये भी बच्ची ऐसे भागने की कर रही थी, तो मैंने कहा भाई ऐसे कैसे उठा के ऊपर ले जाता हूँ। पाकिस्तानी लग लेगा, बन लेगा अपना खेल। Pakistani Saudi why kill me why kill me Pakistani Saudi 1-1 والله 100% Pakistani Saudi خلاص خلي صديق يساعدني خير यहां पर ये भी थोड़ी सी तारीफें करते हैं पाकिस्तान की। finish خلاص في بوت برا بوت تحت بوت روح بوت بيت وجه سيارة والله حبيب ओके तो गाइस, इनका टीममेट यहाँ पर नहीं होता एंड बोलते हैं फिनिश करा दो, तो मैं इनको फिनिश करा देता हूँ। एंड गाइस, अगर आप पहली बार वीडियो पर आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और हाँ, इस वीडियो को भी लाइक कर देना। आते हैं हमारे अगले 1v4 के ऊपर। अब ये जो 1v4 होने वाला है ना भाई साहब, कतई डिफरेंट होने वाला है। मुझे बंदों का बिल्कुल नहीं पता, एक बंदे का पता बिल्कुल मेरे सामने है, तो मैं इसको यहाँ पर देख रहा था। ओ भाई, अब ये इसको ESP मत समझना, तो ये साउंड सेंस होती है, पता चल जाता है किधर से किधर बंदा जा रहा है। खैर उसके बाद मैं सोचता हूँ ये बंदा टॉप के ऊपर है, तो मैं टॉप के ऊपर एक मौली करा देता हूँ। और अब मुझे यहाँ पर लेफ्ट साइड से भी साउंड आ चुकी है, एक बंदा मेरे लेफ्ट पर आकर बैठ चुका है। एंड मैं यहाँ पर शॉप का थोड़ा सा कवर बना लेता हूँ एंड इस शॉप से मैं नेट भी ले लेता हूँ। एंड यार मैं इस इवेंट में ज़्यादातर यही वाली पावर यूज़ करता हूँ, इससे मेरा काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है। लूट है, कभी हेलमेट वेस्ट, कभी नेट लेना हो तो सारी ज़रूरियात जेब में लेकर घूमता हूँ। ओके तो गाइस, 2-3 मोलियां फेंकने के बाद एक बंदा मोली से नॉक हो चुका है एंड इस साइड मैंने कर दिया था स्मोक, क्योंकि इस साइड मुझे बंदे की हेयरिंग आ रही थी। आइए गाइस, तो यहां पर 3 बंदे मैंने नॉक कर दिए थे, चौथे बंदे के लिए जहां मैंने स्मोक की थी वहीं पर मैं जाता हूँ। आइए यल्ला हबीबी गो टू लॉबी माय फ्रेंड। भाई साहब मजे ही आ गए यहाँ पर, कतई जहर सीन हो गया। आते हमारे अगले 1v3 के ऊपर एंड ये 1v3 ना काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाला है। अब आपका भाई देखो कैसे नॉक करता है AKM 3X के साथ बंदा। हेक्टर या जमा जोड़ भाई जोड़, आपके भाई ने यहाँ पर एक हेडशॉट मारा, उसको नॉक हो गया। उसके बाद गाड़ी उठाता हूँ एंड पुश कर देता हूँ इन बंदों के ऊपर। ओ भाई साहब, कतई यार किस्मत चल गई, यहाँ पर लास्ट वाला बंदा DBS नहीं चिपका पाया एंड आपके भाई ने बना दी पेटी। आते हमारे अगले 1v4 के ऊपर एंड ये 1v4 काफी ज्यादा फास्ट होने वाला है। आपके भाई यहाँ पर बगी लेकर आता है एंड चारों बंदे एक साथ पुश करने की कोशिश करते हैं आपके भाई के ऊपर।
ओ भाई साहब तकरीबन ये जीरो डैमेज क्लच था, लास्ट वाला बंदा थोड़ा सा डैमेज दे देता है, बाकी तीन बंदों को तो मैंने ऐसे नोक किया कि भाई उनको हवा भी नहीं आई। अब आप लोगों के साथ मैं वो क्लच शेयर करने लगा हूँ जो मेरे फेल हुए हैं, एंड यार ये क्लच सक्सेसफुल क्लचेस से ज्यादा ओपी थे। ओ भाई साहब आपके पास यहाँ पर तीन बंदे नॉक कर दिए थे, चौथा बंदा दूर से कवर दे रहा था, मेरे पास हीलिंग का टाइम था, मैंने कहा जल्दी से हीलिंग करते हैं, एंड इस बंदे का यहाँ पर रिफ्लेक्स चेक करना आप लोग। नहीं यार आपके भाई ने यहाँ पर फ्री फायर में आकर गलती कर दी है, एंड ये बंदा बहुत ज़्यादा ओपी खेल रहा था। लोग कहते हैं अरबी लोबी भाई नूब होती है, फाइव स्टार गोल्ड की लोबी खेलता है, तो देखो यार यहाँ पर एक बंदा क्लच फेल कर जाता है ओपन में आकर। खैर अब ये वाला जो क्लच है ना ये मेरी गलती से फेल होने वाला सीन देखो। अब गाइस मेरी हीलिंग काफ़ी ज़्यादा लो थी तो मैंने कहा जल्दी से किट मार लेते हैं, एंड जो इनका तीसरा चौथा लास्ट बंदा है ये वाला, तो मैंने कहा इसको देखते हैं जाकर। अब ये बंदा यहाँ पर भाग करना अपने टीममेट को रिवाइव दे आता है इतनी देर में, मुझे नहीं पता चलता, मैं यहाँ पर थोड़ा वेट करता हूँ कि पुश करेगा, लेकिन ये बंदा यहाँ पर पुश नहीं करता, एकदम रिवाइव दे रहा होता है, एंड मैं जाता हूँ, मुझे लगता है शायद से वो बंदा रिवाइव नहीं हुआ, ये लास्ट बंदा बचा है तो मैं रश कर देता हूँ ये सोचकर। एंड भाई साहब यहाँ पर मैं गन छोड़ देता हूँ, मैं समझता हूँ लास्ट बंदा जो था वो रिवाइव नहीं हुआ, बट वो रिवाइव हो जाता है एंड क्लच फेल हो जाता है। आज की ये वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, मिलते हैं कोरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।